नमस्कार क्यूज केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त होंगे। जो हमारे वेलकम टू क्यूसीसी ग्रुप और आपके अंदर नेट जेआरएफ 2023 अगर है सपना तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। चलिए इसी श्रृंखला में हम आज एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ में रूबरू होने जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आप आइए। आप सभी का पुनः मैं दिल खोल के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला और डेल्टा कैम परिणाम है किसका है ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो डेल्टा कैम किसका परिणाम है तो ये आपको देखने को मिलेगा हिमनद निक्षेपण का। किसका? हिमनद निक्षेपण का। डेल्टा कैम हिमनद निक्षेपण का परिणाम है। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण, किसके कारण? पिघलने के कारण, पिघलने के कारण कुछ मलबे का निक्षेपण ढेर के रूप में या टेले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को कैम कहा जाता है। क्या होता है? पिघलने के कारण कुछ मलबे का निक्षेपण होता है, वो ढेर या टीले के रूप में निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आपका डेल्टा कैम कहते हैं। ठीक, कैम के किनारे तीव्र ढाल होते हैं और कैम की रचना रेत तथा बजरी द्वारा होती है। जो कैम की रचना है वो किसके द्वारा? रेत तथा बजरी के द्वारा होती है। ठीक, आगे चले हम क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। और एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ पुस्तक है, चलिए सीधा पुस्तकों पर चलते हैं। और इमेज इन जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हैं आपके, इमेज इन जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक हैं GH Dury। कौन? GH Dury। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ के लेखक हैं LC King। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, LC King। एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी इसके हैं आपके GH Dury। अनस्टेबल अर्थ के हैं JR Steers। और टेक्निक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के हैं CAM King। टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी CAM King। अनस्टेबल अर्थ के हैं JR Steers। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ के हैं LC King। और एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी के हैं GH Dury। कौन है? GH Dury। आगे, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? बजादा। हम इनको पढ़ते हैं, हम मादा तो जो आपका रेगिस्तानी जो रेगिस्तान है और जो चट्टानी रेगिस्तान है उसे क्या कहते हैं? हम मादा। ठीक है, तो बजादा क्या कहलाती हैं? तो वो आपके कहलाती हैं ढलवा मार्ग पर जो पर्वतीय ढाल होते हैं और नदियों के द्वारा बन जाते हैं। बिल्कुल, पढ़िए देखे कि शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू बजादा कहलाती है। पलाया तथा अग्रीय पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इन मैदान का कौन सा? निचला भाग जो कि पलाया से मिलता है बजादा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है और ऊपरी भाग क्या? पेंडिमेंट कहा जाता है। बजादा का निर्माण पेंडिमोंट के नीचे तथा पलाया किनारों पर जालाड़ पंखों से मिलने से होता है। ठीक, आगे आपका पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, तो संकेतों का प्रयोग करते हुए हमें इनको जमाना है। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं, आ जाओ नीचे ही पढ़ लेते हैं कि पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के सही अनुक्रम। जैसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912, फिर संवहन तरंग सिद्धांत, समुद्र फैलाव सिद्धांत और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत 1962 का है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने, इसको देखिए वैगनर के द्वारा दिया गया था, इसको आपके किसके? होम्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और समुद्री फैलाव सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए कथन और कारण से, है ना, भूधरातल पर एक चादर की भांति प्रवाहित होने वाला जल तलछटों को अपने साथ ले जाता है तथा एक जलमार्ग के अनुढाल में उन्हें खिसका देता है। क्योंकि धारा का प्रवाह सभी तलछटों पर सदैव अनुढाल में परिवाहित कर देता है। ठीक है, आगे हम इनका और देखते हैं विश्लेषण में। तो उनमें से आपके ए और आर दोनों सही है। कैसे? हम इनकी व्याख्या करते हैं कि धारा
धारा जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है प्राय वह क्षेत्र ढाल का रूप ले लेता है। धारा जिस दिशा की ओर प्रवाहित होगी वो ढाल का रूप ले लेता है। प्रवाह की दिशा सभी तलछटों को सदैव ढाल अनुरूप प्रवाहित कर देती है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं कि भारत में तलछटीकरण एक गंभीर समस्या बन गया है। कौन सा? तलछटीकरण। नदी का उद्गम स्थल हिमालयी क्षेत्र हो या प्रायद्वीपीय पठार, भारत में अधिकांश नदियाँ तलछटीकरण की जो समस्या है उससे ग्रसित हैं। जो भाई आप चाहो वो कहाँ से निकल के आए, हिमालय से या प्रायद्वीपीय पठार से उसका उद्गम हुआ हो, सभी के अंदर हमें देखने को मिलता है तलछटी की समस्या। आगे, कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मैसा। क्या कहते हैं? मैसा। ठीक है, तो कठोर चट्टान से निर्मित होता है और खड़े ढलवा उच्च सपाट वाला जो भाग होता है और सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में देखा जाता है उसे हम मैसा के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं थोड़ा सा मैसा के बारे में। देखिए, मैसा मैसा एक स्पेनिश शब्द है। कौन सा? स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टेबल अथवा मेज। ये मेज के आकार की एक ऐसी आकृति है जिसका निर्माण लावा से पुरानी चट्टान के ऊपर होता है। इसके किनारों के चारों तरफ काफी बड़े बड़े होते हैं। इस तरह की मेसा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो, वायोमिंग तथा न्यू मैक्सिको प्रांतों के लावा क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। आगे, कभी कभी मैसा का आकार इतना विस्तृत होता है कि वे छोटे छोटे पठार भी लगती है। कैसा लगता है? कभी कभी इसका इतना विस्तार हो जाता है कि वह छोटे छोटे पठार दिखाई देते हैं। आगे, कोलोराडो प्रांत की ग्रांड मैसा इस प्रकार की एक विस्तृत मैसा है जिसका ऊपरी भाग कोलोराडो तथा गनीसन नदियों की घाटियों में 5,000 फीट ऊपर स्थित है। अब थोड़ा सा क्वेस्टा को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेस्टा क्या होता है? क्वेस्टा होता है आपके कठोर तथा अवरोही शैलों वाली लंबी तथा संकरी पर्वत श्रेणी जिसकी नती और ढाल झुका होता है। इसकी नती और ढाल क्या होते हैं? झुके हुए होते हैं। यह हॉगबैक से इस बात से भिन्न है कि हॉगबैक की नती तथा ढाल खड़े होते हैं। अवसादी शैल के नीचे लावा गुंबद की स्थिति होने पर जब कोमल अवसादी शैल अनाच्छादन द्वारा काट जाती है, लावा गुंबद की कठोर एवं प्रतिरोधी शैल ऊपर निकल आती है जिससे क्वेस्टा अथवा हांगबोंग जैसी शिलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? क्वेस्टा। आगे, कथन कारण से। ठीक है, जैसे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अभिलक्षणात्मक विशिष्टता उसकी केंद्रीय अक्षीय है। कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवात झंझावत के उत्कृष्ट सर्पिलर घूमरण से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए। तो बिल्कुल, तो ये सही है परंतु आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अभिलक्षण विशिष्टता उसकी केंद्रीय अक्षीय होती है। बिल्कुल, इस तरह कथन सत्य है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र तक पहुंचने पर वायु मेघ और वर्षा की मात्रा में बाहर भीतर की ओर वृद्धि होती जाती है। कैसे? बाहर से भीतर की ओर आएगा तो उसकी वर्षा की मात्रा में वृद्धि होने को मिलेगी। केंद्र स्वयं एक शांत क्षेत्र होता है, इसे चक्रवात का चक्षु कहते हैं। केंद्र जो होता है वो चक्रवात का क्या होता है? शून्य केंद्र होता है जिसे चक्षु कहा जाता है। जैसे जैसे मैं बात करूं इसके अंदर अंदर आएंगे तो अंदर क्या होगी? वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करें। निम्नलिखित में से किसके आंकलन के लिए रेटिंग वक्र उपयोग की जाती है? तो किसके लिए? बिल्कुल, धारा का वेग के लिए रेटिंग स्केल उपयोग की जाती है। धारा के वेग के आंकलन के लिए रेटिंग वक्र का उपयोगी है। आगे, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। एक तरफ कथन, दूसरी तरफ कारण। प्रवाल वित्ती उतले तथा उष्ण जल में विकसित होती है। प्रवाल वित्ती कहाँ? प्रवाल वित्ती उतले तथा उष्ण जल में विकसित होती है। बिल्कुल, कारण, प्रवाल वित्ती को विकसित होने के लिए
अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर तथा प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, तो ये सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि प्रवाल भित्ति होते क्या है, जैसे ये कोई आपका द्वीप है या महाद्वीप है, इसके चारों तरफ जो समुद्री जीवों के द्वारा, सैलों के द्वारा ऐसा कुछ निर्माण कर दिया जाता है, जैसे रंग बिरंगी प्रजातियां देखने को मिलती हैं, उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो आप देखना, प्रवाल भित्ति उत्तले तथा उष्ण जल में विकसित होते हैं। किसमें? प्रवाल भित्ति आपके उत्तले तथा उष्ण जल में, यानी गर्म जल में विकसित होती है, और प्रवाल 60 से 100 मीटर की गहराई वाले जल में जीवित नहीं रह सकते। कितने? 100 से, अगर 60 मीटर की, 60 से 100 मीटर की गहराई है, तो उसमें आपके प्रवाल भित्ति जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार महाद्वीपीय मगन तट, गहरे महासागरों में ज्वालामुखी शिखर, जगलमग्न वेदिका, कटक तथा पठार जो लगभग 60 मीटर की गहराई तक जलमग्न है, प्रवाल जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वापस से याद रख लेना, कौन कौन है जो प्रवाल जीवों को आसरा प्रदान करते हैं। महाद्वीपीय मगन तट हैं आपके, गहरे महासागर हैं, ज्वालामुखी शिखर हैं, और जलमग्न वेदिकाएं, कटक पठार जो लगभग 60 मीटर की गहराई तक जलमग्न है, यानी 60 मीटर तक ही वो जल के अंदर डूबे हुए हैं। प्रवाल भित्ति को विकसित होने के लिए अनिवार्यतः लगभग ऊर्ध्वाधर प्रत्यक्ष सौर विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष की क्या नहीं होती? सौर विकिरण की आवश्यकता नहीं होती। और प्रवाल के विकास के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। जिन महासागरों में लवणता अधिक पाई जाती है, वहाँ प्रवालों का विकास नहीं हो पाता। याद रखना, लवणता अधिक पाई जाएगी, आपके टेम्परेचर 18 डिग्री से 20 डिग्री नहीं रहेगा, वहाँ पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, प्रवाल वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, और 60 से 100 मीटर तक ये जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्या कहता है कि ऊर्ध्वपातन किससे, किसमें और किससे परिवर्तन को व्यंजित करता है। तो किससे करता है ये? आपके ठोस से वाष्प में। किससे? ठोस से वाष्प में। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, किसी तत्व द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को कहते हैं। क्या होता है? जैसे ठोस है और ठोस से सीधे क्या बन जाए? गैस बन जाए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी भी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, और यही परिवर्तन आपकी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। यानी कि आप ठोस से बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में परिवर्तित करते हो, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो सवाना बायोम किससे संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय सुखाद्र जलवायु से। किससे? उष्ण कटिबंधीय सुखाद्र जलवायु से संबंधित है क्या सवाना बायोम? देखें सवाना बायोम कहाँ कहाँ पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कि सवाना बायोम उष्ण कटिबंधीय सुखाद्र जलवायु है। सवाना बायोम की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं हैं क्या? कि स्पष्ट शुष्क आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर उच्च तापमान, सवाना प्रकार के बायोम दक्षिणी ब्राजील, कहाँ? ब्राजील, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आदि में पाए जाते हैं। कोलंबिया, वेनेजुला में इन्हें लानोज, ब्राजील में कंपोज, अफ्रीका में फार्कलैंड आदि नामों से जाना जाता है। याद रख लेना, पूछ लेता है आपके किसके, कोलंबिया तथा वेनेजुला में इनको लानोज कहा जाता है, ब्राजील में कंपोज कहा जाता है, अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है, और ऐसे ही कई नाम हैं हमें कई द्वीपों के अंदर देखने को मिलते हैं, कई देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिल्कुल प्रेरित, ये भी घास के मैदानी है। आगे, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेदा कौन था? तो आपको बताना है कि आपके किसकी, भूमध्य रेखा के, इसकी लंबाई का निर्धारण करने वाले कौन थे? तो कौन थे आपके? इरेटोस्तनीज। कौन थे? इरेटोस्तनीज। भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता इरेटोस्तनीज थे। इरेटोस्तनीज ने जोग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी? जोग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। आगे, इन्होंने सर्वप्रथम जोग्राफिया नामक शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल, इरेटोस्तनीज ने सर्वप्रथम जोग्या नामक ग्रंथ, जोग्योग्राफी, जोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की, और
जोग्राफिया शब्द का प्रथम इस्तेमाल भी इन्होंने किया था। इन्होंने पृथ्वी का तल मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया था कि जो पृथ्वी का तल है वो मानव के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है या उसका अध्ययन है उसको इन्होंने बताया था। इन्होंने एरिस्टोटल ने ही भूगोल के तीन प्रमुख योगदान दिए हैं। प्रथम पृथ्वी की परिधि का आकलन किसने किया? इन्होंने। दूसरा क्या था? निवास जगत का मानचित्रण। तीसरा क्या था? इस निवास जगत का विवरण करते हुए एक पुस्तक लिखा। पहला काम याद रखना इनका क्या था, पहला योगदान था कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि का आकलन किया। दूसरा कारण था निवास स्थान का मानचित्रण किया था। तीसरा काम था इनका कि इस निवास से जगत का विचरण विवरण करते हुए एक पृथक पुस्तक लिखी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी का आपके टॉलमी के द्वारा किया गया। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति टॉलमी था, और टॉलमी ने गणितीय भूगोल में निम्न योगदान दिया है। पृथ्वी की परिधि, आवासीय विश्व का विस्तार, प्रमुख यामोतर प्रक्षेप की रचना आदि। टॉलमी प्रथम विद्वान थे जिन्होंने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे मानचित्र पर अंकित किया। हमें तो क्या याद रखना है, हमें याद रखना है किसका, टॉलमी ने बंगाल खाड़ी का आलेखन किया। दूसरा क्या याद रखना है, वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे मानचित्र पर किसने उकेरा, टॉलमी ने, ठीक है ना। सॉरी इधर भी आप, ये तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रख हौसला तू मंजर भी आएगा, रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर के समंदर भी आएगा, और क्यों बैठा है तू हाथ पर हाथ रखे, मंजिल आज नहीं तो कल तेरे पास जरूर आएगी। ठीक है, तो चलिए सूची एक को सूची दो के साथ में मिलाते हैं। चलिए हम्बोल्ट की बात करते हैं तो कॉसमोस के सिद्धांत से संबंधित हैं, और आपके आगे आगे आपके ऑस्कर पेस्टल और ये दास आइसलैंड के, और रिच्तोफेन आपके इराटेल से, और रेड जेल एंथ्रोपो जियोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 16, एक तरफ हमें सूची एक और सूची दो दी गई है, कुछ मानचित्र हैं और कुछ घटनाक्रम संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं बात करूं आइसोक्रोन मानचित्र, ये सामान्य समय से संबंधित है। समान समय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आइसोक्रोन मानचित्र का। आइसोनेफ मानचित्र, इसका समान मेघ मेहता को दर्शाने के लिए किया जाता है। आइसोटिम मानचित्र का प्रयोग सामान्य परिवहन लागत के लिए किया जाता है। आइसोफीन मानचित्र का प्रयोग समान जैविक घटना के लिए। वापस से, आइसोफीन मानचित्र समान जैविक घटना के लिए, आइसोटिम मानचित्र समान परिवहन लागत के लिए, आइसोनेफ मानचित्र समान मेघ मेहता के लिए, और आइसोक्रोन मानचित्र आपके समान समय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मानव प्रवास से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो मानव प्रवास से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है, जिप। कौन है, जिप। आगे बेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। कौन? बेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1909 में औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंधित अपना न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत दिया था। किसने? बेबर ने। और रॉबस्टीन की एक महत्वपूर्ण कृति लॉज ऑफ माइग्रेशन है। रॉबस्टीन की प्रमुख कृति कौन सी, आपके आपकी कृति लॉज ऑफ माइग्रेशन है। और स्टॉपर ने अंतर्लयी अवसर सिद्धांत तथा स्पर्धात्मक स्थानांतरण मॉडल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? तो ये क्या था, स्टॉपर ने। कौन सा? तो आपको देखने को मिलेगा अंतर्लयी अवसर सिद्धांत तथा स्पर्धात्मक स्थानांतरण मॉडल। किसके द्वारा? आपके स्टॉपर के द्वारा। जनसंख्या के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, बोनस दिया गया था। पर अब देखना है आपको जनसंख्या के अनुसार कैसे, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। आगे क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 19, और 19 क्या कहता है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है, यानी जिसके अंदर सर्वाधिक नगरीकृत है, तो वो कौन सा, आपका
मालदीव, कौन सा? मालदीप। दक्षिण एशियाई देशों में 45.5% के साथ मालदीप सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला देश है, जबकि अन्य देशों का पाकिस्तान 38% है, बांग्लादेश 34.3% है, भारत 31% नगरीकरण है और नेपाल 18.6% नगरीकरण है, श्रीलंका 18.4% शहरी आबादी में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं विकल्प सी इज राइट, ऑप्शन सी। चलिए, संप्रति ग्राम से नगर में प्रवास के रूप में नगरीय विकास की उच्च दर जन्म में नगरीय जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदान करता नहीं है। कारण, न्यूनतम मृत्यु दर के कारण ऐतिहासिक भूतकाल की अपेक्षा आधुनिक युग में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतर है। चलिए बताइए कथन और कारण में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो बिल्कुल, तो आपके क्या है, दोनों ही सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सत्य हैं। कैसे? कि जनसंख्या वृद्धि के दो आधार होते हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक वृद्धि दर और दूसरा होता है जनसंख्या स्थानांतरण। कौन सा? प्राकृतिक वृद्धि दर और जनसंख्या स्थानांतरण। प्राकृतिक वृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि की प्रवृत्ति विकासशील देशों में देखी जा सकती है, यानी प्राकृतिक वृद्धि है उसके अंदर जो अभूतपूर्व वृद्धि है वो किस में देखी जा सकती है? आपके विकासशील देशों के अंदर देखी जा सकती है। नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्नवीनीकरण संसाधन है? तो इनमें से कौन सा है जो पुनर्नवीनीकरण है? जैसे वायु आज गई कल वापस चलनी है, ठीक है? कोयला एक बार गया वापस नहीं बनाया जा सकता, लोहा इसके का भी वही है, अभ्रक का भी यही है, ठीक है? तो पुनर्नवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जिनका स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उपयोग अवधि तथा उपयोगिता आदि में वृद्धि या सुधार की जा सकती है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 22, समय के किसी न किसी पैमाने पर समस्त संसाधन पुनर्नवीनीकरणीय होते हैं। भविष्य की आपूर्तियों की उत्तर जीविता के लिए पुनर्भरण तथा उपयोग की सापेक्ष दर ही मायने रखती है। इसी में कौन सा सही है? तो बिल्कुल, इसमें वन, हवा, ज्वार शक्ति और बॉक्साइड, यानी उपरोक्त क्रम इस प्रकार से है, वन, हवा, ज्वार शक्ति एवं बॉक्साइड। क्या कह रहा है? समय के किसी न किसी पैमाने पर संसाधन पुनर्नवीनीकरण होते हैं, तो कौन से? वन। भविष्य की आपूर्तियों की उत्तर जीविता के लिए पुनर्भरण तथा उपयोगिता की सापेक्ष दर मायने रखती है, ठीक? इस कथन में दृष्टिकोण से संसाधन सात व्यय के सही क्रम की पहचान करनी थी और पुनर्नवीनीकरण के अवरोही क्रम में कीजिए। जैसे वन है उसका कर सकते हैं हम, हवा का कर सकते हैं, ज्वार शक्ति का कर सकते हैं, बॉक्साइड, यानी कि ज्यादा से कम की ओर जाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किन के लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए उत्तरदायी है आपका? वो है आपके 10 वार्षिक जनगणना संचालन एवं उससे संबंधित आंकड़ों के प्रकाशन के लिए। बिल्कुल, 10 वर्ष के अंदर आपकी जनगणना करवानी होगी और उसके आंकड़ों को क्या करना होगा? प्रदर्शित करना होगा। और दूसरा, प्रतिचयनित पंजीकरण प्रणाली के आधार पर प्राप्त वार्षिक मरण की सांख्यिकी का प्रकाशन, मरने वालों की भी सांख्यिक है। सबसे पहली बात करूं 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा, लेकिन दशकीय करवाने का श्रेय 1881 में रिफन को जाता है, जिन्होंने विधिवत रूप से लॉर्ड रिफन ने करवाई थी, ठीक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि भारत के पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त का कार्यालय वार्षिक भूमि उपयोग के आंकड़ों का प्रकाशन तथा वार्षिक स्वास्थ्य शिक्षा के आंकड़ों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, बायोमास ऊर्जा स्रोत जो नाजुक परिसीमा में आते हैं पुनर्नवीनीकरण संसाधन है। बिल्कुल, तो ये पुनर्नवीनीकरण संसाधन है बायोमास ऊर्जा, क्योंकि एक समीप समय सीमा के बाद बायोमास का भरण किया जा सकता है। इन दो कथनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो हम बात करें कि बायोमास ऊर्जा स्रोत जो नाजुक परिसीमा में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और इनका पुनर्नवीनीकरण संसाधन होते हैं,
एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनर्भरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बायोमास सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यहाँ तक कि अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की गई ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है। एक समय सीमा के बाद बायोमास का पुनर्भरण किया जा सकता है और ऊर्जा की ये बाह्य स्रोत पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करते। क्या नहीं करते? पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है, तो वो कौन सा आपका? विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट एक बंदरगाह है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोलकाता एवं चेन्नई के मध्यवर्ती भाग में स्थित, यह प्राकृतिक एवं सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकलने के कारण ये तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। कौन सा? विशाखापट्टनम वाला। यह जापान को लोहा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है तथा यह डीजल जहाज निर्माण एवं निर्मित टाइल्स का निर्माण केंद्र है। तो याद रखना विशाखापट्टनम, यहाँ पर बाहा पोता सरा भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है, तो किसका नहीं? आपके एफ रेडजेल का राजनीतिक भूगोल से मिलता है, ईसा बोमैन का मिलता है, एच डी मैकिंडर का मिलता है। यहाँ तक हम राजनीतिक भूगोल का पिता भी रेप रेडजेल को कहते हैं, लेकिन आर जे टॉनसन का संबंध नहीं मिलता। देखिए हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि आर जे टॉनसन का संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है, एफ रेडजेल, ईसा बोमैन तथा एच जे मैकेंडर का संबंध राजनीतिक भूगोल से है। ईसा बोमैन ने एंडीज पर्वत, विशेषकर पेरू, बोलीविया और चिली के नामों में विस्तृत यात्राएं की थी। बाद में उन्होंने आटाकामा मरुस्थल को लोगों को पार किया मरुस्थल को पार किया और इस क्षेत्र की सहायता से उसने अपना लघु शोध प्रबंध दी ज्योग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज लिखा। 1931 में उन्होंने पायोनियर फ्रिंज नामक पुस्तक प्रकाशित की और ज्योग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंसेज 1934 में प्रकाशित की थी। किसकी थी ये दोनों की दोनों? ईसा बोमैन की। किसकी? पहली तो याद रखना आपके लघु शोध प्रबंध दी उन्होंने कौन सी? दी ज्योग्राफी ऑफ दी सेंट्रल एंडीज। कौन सी? दी ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल दी सेंट्रल एंडीज 1931 में उन्होंने दी थी पायोनियर फ्रिंज नामक पुस्तक। और आगे ज्योग्राफी इन रिलेशन टू सोशल साइंसेज 1934 में भी इसको प्रकाशित करवाया था। आगे भूगोलवेत्ता के और उनके साथ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए तो एक तरफ भूगोल बेता सी साबर दिया गया है और सी साबर का संबंध देखने को मिलता है सांस्कृतिक भूगोल के साथ। किसके? सांस्कृतिक भूगोल के साथ। किसका? सी साबर का। डी हॉर्वे का संबंध मिलता है आमूलचूल परिवर्तन परक भूगोल के साथ में। एफ रेडजेल राजनीतिक भूगोल। एच जे जॉन जॉन्स्टन आपके सामाजिक भूगोल। जॉन्स्टन सामाजिक भूगोल, रेडजेल राजनीतिक भूगोल, हार्वे आमूलचूल परिवर्तन परक भूगोल के साथ में, सी साबर का संबंध मिलता है सांस्कृतिक भूगोल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रशासनिक इकाई है। किस लिए किया जाता है? प्रशासनिक इकाई के रूप में किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय नियोजन प्रशासन के एक रूप में काम करता है और राज्य एक प्रशासन इकाई है। आपका क्वेश्चन नंबर 29, नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इन नगरीय भूमि है उसका मूल्य निर्धारण करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये आपका क्या है? सुगम्यता। क्या? सुगम्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी, जब तक हम थोड़ा सा जलबल है क्या? ठीक, धन्यवाद। चले क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो आपको बताना है।
जैसे नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए सुगम्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए क्या सुगम्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? जिस नगरीय भूमि में सुगम्यता सर्वाधिक पाई जाती है वहाँ का मूल्य अधिक होता है। क्या होता है? सुगम्यता अधिक तो मूल्य भी अधिक होगा। और जलवायु ऐतिहासिक कारण तथा स्थलाकृति सुगम हो, वहाँ सुगम्यता न हो तो उस नगरीय मूल्य का स्वतः कम हो जाता है। ठीक। संसाधन विकास के नियंत्रण तथा निर्देशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसाधन के नियंत्रण तथा निर्देशन को, बिल्कुल, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका संसाधन प्रबंधन। क्या? संसाधन विकास के नियंत्रण तथा निर्देशन को संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य है किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण अथवा व्यवस्थापन से, ठीक है, जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, भावी उपयोगिता एवं आवश्यकताओं, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर संचालित होता है। किस किस को? तो आपके इस वर्तमान सामाजिक को, आर्थिक आवश्यकताओं को, उपलब्ध तकनीकी को, ज्ञान को, भावी उपयोगिताओं की आवश्यकताओं को, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रख करके संचालित होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 कहता है कि समरूपता तथा अंतर संबंधता के सिद्धांत का उपयोग के लिए इकाइयों के चित्रण हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ये आपके? बिल्कुल, संसाधन विश्लेषण के लिए। किसके? संसाधन विश्लेषण के लिए। समरूपता तथा अंतर संबंधता के सिद्धांत का उपयोग संसाधन विश्लेषण के चित्रण हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपके? 1987 में नीति को सूत्रबद्ध किया गया था। चलिए देखें, भारत में पहली बार 1987 को राष्ट्रीय जल नीति को सूत्रबद्ध किया गया। इसके बाद 2002, 2012 में इसे संशोधित किया गया। ज्ञात रहे कि भारत विश्व के कुल जल संसाधन का 4% उपयोग करता है। सर्वप्रथम 87, इसके बाद 2002, फिर 2009 में इसे संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है? बिल्कुल, कौन सा नहीं है? तो हम बात करें, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग है, पूर्वी पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट भी है, पर गंगा पार के मैदान क्षेत्र ये ऐसा कोई क्या नहीं है, हमारे यहाँ कृषि प्रदेश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम। चलिए, भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, और कौन कौन से हैं हम एक साथ देखते हैं। चलिए आ जाइए, पहला है आपका उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश। तीसरा सतलुज का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का निचला मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली मालवा पठार, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, अंत पर्वतीय दक्षिण प्रदेश, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप। ठीक है ना? तो ये क्या देखने को मिलते हैं? 15 प्रदेश। वापस से, उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, इस वाली बेल्ट को उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, सतलुज का मैदान। कौन सा? सतलुज का मैदान। फिर गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निचला मैदान। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली का मालवा पठार, अरावली का मालवा पठार, इसके बाद में महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, महाराष्ट्र का पठारी प्रदेश, अंतर्वर्तीय दक्षिण प्रदेश, अंतर्वर्तीय दक्षिण प्रदेश, पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट इधर, पश्चिमी तट गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान तथा निकोबार। ठीक है ना? इधर वाले अंडमान तथा निकोबार। तो ये हमारा भारत। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34, और यह है कौन सा पर्वत सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है आपके? अनाईमुड़ी 2965 मीटर, बिल्कुल है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की आपके 1756 नहीं है, 1756 नहीं है, 8126 मीटर। और माउंट एवरेस्ट 1800 88 1848 मीटर, K2 8611 मीटर।
अनाईमुड़ी, जो कि आपके जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी उसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? अनाईमुड़ी। नंगा पर्वत की बात करें, 8126 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, केटू की 8611 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 कथन कारण से संबंधित है। भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र तथा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में रेल की पटरियों का सघन जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल, तो भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में तथा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में, एक तो यहाँ की बात कर रहा है और एक यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है, जाल बिछा हुआ है। इन क्षेत्रों में सुविकसित उद्योग धंधे हैं। बिल्कुल, इन क्षेत्रों में क्या देखते हैं हमें? धंधे या इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही है। यहाँ भी रेल मार्ग अधिक देखने को मिलते हैं, यहाँ भी रेल मार्ग अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। हम पहले व्याख्या के साथ में शुरुआत कि भारत के उत्तरी मैदान अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि मैदानी भाग होने के कारण यह सघन आबादी है। इसी तरह पूर्वी तटीय भागों में भी रेल पटरियों का अधिभाग्य है। इस क्षेत्र में उद्योग धंधों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इस तरह कथन और कारण दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक तरफ डैम दी गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है, कौन सी नदी पर कौन सा डैम है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं दामोदर नदी पर, और दामोदर नदी पर देखने को मिलता है कोनार डैम। कौन सा डैम? कोनार डैम। महानदी पर नाराज डैम। चंबल पर गांधी सागर, इसी पर राणा प्रताप सागर भी देखने को मिलता है। कोटा बैराज भी देखने को मिलता है, और आपका जवार सागर भी देखने को मिलता है। सतलज पर देखने को मिलता है पोंग बांध। सतलज पर पोंग बांध, चंबल पर गांधी सागर, महानदी पर नाराज और दामोदर पर कोनार बांध देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि विश्व की जनसंख्या 2001 की, चलो उसकी तो बात करनी नहीं है, 2011 की बात करेंगे हम, तो सीधा पढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10 के वृद्धि दर 17.6% रहा ही है, और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। फर्स्ट पर कौन सा? चाइना, और सेकंड पर भारत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। बिल्कुल, रिमोट सेंसिंग प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है? तो वो क्या करता है? आपका पैसिव सेंसर। कौन सा? पैसिव सेंसर क्या करता है कि आपके रिमोट सेंसिंग प्रणालियों में ये सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है। तो कौन? पैसिव सेंसर। चलिए, बेहद ही नजदीक है मंजिल के। व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि रिमोट सेंसिंग प्रणाली पैसिव सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मापन करता है। पैसिव सेंसर में ऊर्जा परिवर्तित अथवा विकिरित कोई भी हो सकती है। आगे इसका प्रमुख उदाहरण है कैमरे की सहायता से फोटोग्राफी, जिससे परावर्तित सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। आगे आपका निम्नलिखित में से किस आरेख में आर्द्रता तथा तापमान के सापेक्षिक संबंध का चित्रण किया जाता है? किसमें किया जाता है? आपके क्लाइमोग्राफ में। किसमें? क्लाइमोग्राफ के अंदर। क्लाइमोग्राफ आर्द्रता तथा तापमान के सापेक्ष संबंध का चित्रण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आरेख है। इसकी सहायता से मौसम की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के मूल्य को क्रमशः कोटि तथा भुजों के रूप में अंकित करते हैं। याद रखना है आपको क्या कि क्लाइमोग्राफ आर्द्रता तथा तापमान के सापेक्ष के संबंध में चित्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लाइमोग्राफ का आर्द्रता और तापमान दोनों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें कि मौसम की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है इसके माध्यम से, और ईदर ग्राफ की बात करते हैं, इसमें औसत मासिक तापमान व औसत मासिक वर्षा के मूल्यों को पहले तो किसमें मासिक तापमान को कोटियों और इसको भुजों में अंकित कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, मानचित्रण के लिए परिवर्तीय वर्ग अंतराल अधिक सार्थक तब सिद्ध होगा जब चर क्या होगा? जब चर अत्यधिक संगत होगा।
मानचित्रण के लिए परिवर्तनीय वर्ग अंतराल अधिक सार्थक तब सिद्ध होगा जब अत्यधिक क्या हो, जब चर अत्यधिक संगत हो। तो परिवर्तनीय वर्ग अधिक सार्थक तब सिद्ध होगा जब चर अत्यधिक संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की एक विधि के रूप में हरात्मक माध्य किस प्रकार के आंकड़ों के लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? तो आपके वृद्धि दर के लिए। किसके लिए? केंद्रीय प्रवृत्ति की एक विधि के रूप में हरात्मक माध्य किस प्रकार के आंकड़ों के लिए उपयुक्त है? तो वो आपके वृद्धि दर के लिए। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की एक विधि के रूप में हरात्मक माध्य वृद्धि दर के आंकड़ों के लिए उपयुक्त है। किसी भी सम्मक श्रेणी में दिए गए मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। कौन सा कहलाता है? इसका व्युत्क्रमी के समांतर माध्य का व्युत्क्रम उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। ठीक है, और यहाँ एन किसी श्रेणी इकाइयों की कुल संख्या से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एक तरफ आपके मानचित्र तकनीकरण और दूसरी तरफ अभिलक्षण दिए गए हैं, जैसे रंगों का स्थिरीकरण किसमें देखने को मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? कोरो क्रोमोटिक में। किसका? रंगों का स्थिरीकरण। और कोरो स्कोमेटिक चिन्ह तथा प्रतीक, आइसोप्लेथिंग आपके अंतर्वेशन में और क्लोरोप्लेथिंग घनत्व में। कोरोप्लेथिंग आपके घनत्व के अंदर देखने को मिलता है, आइसोप्लेथिंग आपके अंतर्वेशन में देखने को मिलता है, कोरो स्कीमेटिक चिन्ह तथा प्रतीक में देखने को मिलता है, और कोरो क्रोमेटिक रंगों का स्थिरीकरण देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, कथन और कारण से क्या है कि यूएसए का ग्रेट लेक्स क्षेत्र उद्योगों से भली भांति विकसित है। जो ग्रेट लेक्स आपको 5 झीलों का समूह देखने को मिलता है, सुफीरियन, हुरन, ऑन्टेरियो, और इन झीलों का समूह है, वो क्या है कि आपका उद्योग धंधों से भली भांति विकसित है। बिल्कुल। आगे, ये क्षेत्र ब्रिटेन से यूएस में आए प्रवासियों को आरंभिक पुनर्वास का क्षेत्र था। बिल्कुल। तो यूएसए का जो 5 झीलों का समूह है वो बिल्कुल उद्योगों का क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में ब्रिटेन से जो प्रवासी आए थे उनके लिए आरंभिक में क्या था? ये पुनर्वास था। लेकिन क्या है, ये यार दोनों सही है, उनकी व्याख्या भी करता है। चलिए पढ़ देते हैं थोड़ा सा कि अभिकथन कारण दोनों सही हैं। याद रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का महान झील ग्रेट लेक्स क्षेत्र सबसे विकसित क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर सर्वप्रथम अंग्रेज लोग आए थे और यहीं पर सबसे पहले उद्योगों का विकास होना प्रारंभ हुआ था। इस क्षेत्र में वाहन, लौह इस्पात, तेल शोधन, विद्युत उपकरण, मशीनें तथा प्रमुख रसायनों से संबंधित उद्योग विकसित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और ए हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल जियोग्राफी 1889 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है, निम्न में से कौन सा अनुवादक है? तो कौन सा? आपका जॉर्ज चिसॉम। कौन? जॉर्ज चिसॉम। वापस से, ए हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल जियोग्राफी 1889 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है, निम्न में से कौन सा अनुवादक है? तो कौन है? जॉर्ज चिसॉम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैंडबुक कॉमर्शियल जियोग्राफी 1889 में प्रकाशित एक अनुवादित कार्य है जिसके अनुवादक जॉर्ज चिसॉल में थे, और इस प्रश्न में संशय है, इस प्रश्न में संशय है। कहीं कहीं पर सर डेडली स्टाम्प को इस किताब का लेखक कहा जाता है, कहीं कहीं किसे कहा जाता है? सर डेडली को। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 45, कथन कारण से और क्या कहते हैं वो हमें बताना है। आधुनिक समय में संस्कृति के मेंटिफैक्ट्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। कारण? कारण है आपके सामने कि आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। जैसे हम बात करते हैं आधुनिक समय में सांस्कृतिक मेंटिफैक्ट्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव को प्रवृत्त करते हैं। बिल्कुल, ए और बी इज दोनों ऑल राइट। right.
क्योंकि आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था सांस्कृतिक बदलाव को प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में मेंटी फैक्टर्स की अपेक्षा आर्टिफैक्ट्स अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक तरफ भूगोलवेत्ता और दूसरी तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, तो चलिए मिलाते हैं इनको। तो मैं बात करूं आपसे लॉस की, किसकी लॉस? बाजार क्षेत्र अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है, कई बार पढ़ा है इसको। बाजार क्षेत्र अवस्थिति सिद्धांत से है, वेबर न्यूनतम लागत सिद्धांत से है, थॉमसन पुंज सिद्धांत से है, लेले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से है। रेले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, थॉमसन पुंज सिद्धांत, वेबर आपके न्यूनतम लागत सिद्धांत से, लॉस बाजार क्षेत्र अवस्थिति सिद्धांत से। और लास्ट में भाई पैराग्राफ हमारा एक तरफ और दूसरी तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन ही पढ़ते हैं हम सीधे। इधर भी एक क्वेश्चन नीचे 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के भाव को निम्नलिखित में से किस रूप में सुचारू रूप से वर्णित किया जा सकता है? माफ करना मुझे कि आपके लिए पढ़ नहीं पाया। तथ्यात्मक परंतु विवरणात्मक से वर्णित किया जा सकता है। चलिए कि उपरोक्त गद्यांश के भाव को तथ्यात्मक परंतु विवरणात्मक रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेखक ने गद्यांश के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के नगरीकरण की प्रक्रिया को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, लेखक का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो लेखक का संबंध था जो मुख्य रूप से इसमें है, विकासशील देशों में नगरीकरण तथा अति नगरीकरण की प्रक्रिया से। क्या विकासशील देशों में क्या है? नगरीकरण की प्रक्रिया से और अति नगरीकरण से, क्योंकि लोग यहाँ पर शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु गांव से पलायन करके आते हैं। और हम भारत की बात करें तो भारत में 31% लोग हैं वो नगरों के अंदर निवास करते हैं। कि लेखक का संबंध मुख्य रूप से विकासशील देशों में नगरीकरण एवं अनगरीकरण की प्रक्रिया से है, और उपरोक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने उन देशों के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट किया है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 49, लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? आर्थिक विकास के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि विकास के उन्नयन से पर्यावरणीय समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है। लेखक का मानना है कि विकासशील देशों में पर्यावरण एक प्रमुख समस्या है। क्या है? विकासशील देशों में पर्यावरण क्या है? एक मुख्य समस्या है, क्योंकि पर्यावरणीय मूलभूत अवसंरचना के अभाव में ये समस्या बनी हुई है, जिसका निदान आर्थिक विकास ही है। क्या है? आर्थिक विकास ही है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विकासशील देशों में नगरीय गहनता इनमें से किसके द्वारा अभिलक्षित नहीं होगी? यानी कि इसमें से कौन सा है जिसके द्वारा अभिलक्षित नहीं होगी, वो आपको बताना है। तो किसके द्वारा? ग्रामीण नगरीय परिवर्तन की एक समान प्रक्रिया, अगर ऐसा होगा तो नगरीय गहनता है वो क्या होगी? अभिलक्षित नहीं होगी। थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं इसका। क्या है? विकासशील देशों में ग्रामीण नगरीय परिवर्तन की एक समान प्रक्रिया है और नगरीय गहनता को अभिलक्षित नहीं करता। नगरीय गहनता नगरीकरण की प्रक्रिया को अभिलक्षित करता है। लेखक ने जिसे तीन पदों के माध्यम से वर्णित किया है, पहला संकेंद्रित नगरीकरण, प्रमुख नगर और तीसरा अति नगरीकरण। तो ये तो थी आज की अपनी नेट जी आर एफ की क्लास, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस को फिर डिस्कस किया। मिलते हैं एक नई क्लास में उन्हीं 50 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे दीजिए आज्ञा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।